खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब बात बंगाल की कर लेते हैं, जहां 7 चरणों का चुनाव मारपीट हिंसा के बीच ही निकला। चुनाव के बाद भी ममता और बीजेपी में राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा है। हुगली में तो राजनीतिक रंजिश में बम से हमला हुआ है। बीजेपी ने बंगाल में पूरा किला फतेह तो नहीं किया है, लेकिन जितना भी मिला है वो ममता से छीन कर मिला है। हुगली में इसी का जश्न मना रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। इसी जश्न की रैली में बम से हमला किया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तृणमूल ने यह हमला किया है। तो आप देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जिस समय जश्न मना रहे थे, बमबारी की गई। 7 चरणों के चुनाव में भी लगभग यही तस्वीर निकलकर बंगाल से सामने आई। उत्तर 24 परगना जिले में 5 बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। आरोप यह है कि टीएमसी के नेता विधान विश्वास ने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। तो विरोध लगातार जारी है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। पता नहीं बंगाल में हिंसा पर कब ब्रेक लगेगा। उत्तर 24 परगना की यह घटना है। हुगली में बम बरसाए गए, 24 परगना में पिटाई की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है। ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी आमने सामने है। कोई जय श्री राम बोल देता है तो ममता बनर्जी भड़क जाती है, और दूसरी तरफ अपनी जीत का जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर बम बरसाए जाते हैं, 24 परगना में पिटाई कर दी जाती है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। पश्चिम बंगाल में राम के नाम पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर भड़क जाती हैं, तो बीजेपी अब इसी नारे को हथियार बनाकर ममता को निशाना बनाने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने इसी तेवर और अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन पीत सड़क पर गाड़ी रोककर जय श्री राम बोलने वालों पर गुस्सा उतारने की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति की कहानी बयां कर रही है। कभी दीदी ने इसी तेवर की बदौलत पश्चिम बंगाल से लेफ्ट को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन आज उनका गुस्से को बीजेपी कार्यकर्ता उनकी कमजोरी साबित करने पर तुले। ऐसी ही एक तस्वीर चुनाव के दौरान भी वायरल हुई थी। ममता तब भी जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर भड़की थी, और चुनाव नतीजों के बाद उनका गुस्सा खीज में बदलता दिख रहा है। अब बीजेपी जय श्री राम नारे को ममता के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। शनिवार को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी के 2 नेताओं के सामने जय श्री राम के नारे लगाए, तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। अब बीजेपी ने ऐलान किया है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखे हुए 10,00,000 पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। ममता बनर्जी जय श्री राम जरा बोलते तादर के मार खावाचन पुलिस के लिए। आगामी दिन 7 दिन मध्य 10,00,000 पोस्ट कार्ड ममता बनर्जी बाड़ी दे जावे। 10,00,000 लोग के जय श्री राम लिखे पोस्ट कार्ड टा जावे। जय श्री राम उन्हीं 10,00,000 लोग के अरेस्ट करन, हमरा रेडी आछे। ममता को पोस्ट कार्ड भेजने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ उपचुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता बंटी साहू ने ममता का विरोध करते हुए उन्हें जय श्री राम लिखा हुआ कार्ड स्पीड पोस्ट किया है। मैंने कल पोस्ट किया है जय श्री राम ममता दीदी को, और हमने तय किया है कि कम से कम हमारे छिंदवाड़ा विधानसभा के हजारों श्री राम भक्त ममता बनर्जी को पोस्ट करेंगे।
इस बीच उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें हिरण्यकश्यप के खानदान का पता डाला। बंगाल की जब बात आती है तो त्रेता याद आता है, एक राक्षस राज था हिरण्यकश्यप, उसके बेटे ने कह दिया था जय श्री राम, तो बाप ने बेटे को जेल में बंद कर दिया था, बहुत सारी यातनाएं दी थी और वही दोहराया जा रहा है बंगाल में, तो लगता है कि हिरण्यकश्यप के खानदान की तो नहीं है ममता, जय श्री राम कहने वालों को यातनाएं दी जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी से उसके समर्थकों के हौसले बुलंद हैं। इस बीच ममता ने मुकाबले में उतरने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी ने आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए दो संगठन बनाने का ऐलान किया है, बंगो जननी ब्रिगेड और जय हिंद वाहिनी नाम के दो संगठन जमीनी स्तर पर टीएमसी के लिए काम करेंगे। जय हिंद वाहिनी नाम का संगठन पहले से मौजूद है लेकिन अब ममता ने उसमें अहम बदलाव किए हैं। जय हिंद वाहिनी की जिम्मेदारी ममता के भाई कार्तिक बनर्जी को दी गई है। महिलाओं के संगठन बंगो जननी ब्रिगेड की कमान काकोली घोष संभालेंगी। हम लोग यही भेदभाव पॉलिटिक्स को ज्यादा नहीं होने के लिए हम लोग जय हिंद वाहिनी बनाए हैं और गांव में सोशल एक्टिविटीज हम लोग को ज्यादा करना है, कल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा करना है, इसलिए करेंगे जो भेदभाव पॉलिटिक्स को इधर अंदर में आने नहीं देंगे। ममता बनर्जी हारने का बाद हार को पचा नहीं पा रही है इसलिए अनशनप बक रही है। अगर सचमुच दूसरा संगठन खड़ा होता है आरएसएस जैसा, बहुत अच्छी बात है। चरित्रवान देश प्रेमी डिसिप्लिन युवा देश के लिए बहुत जरूरी है। आरएसएस काम कर रहा है बहुत साल से, अभी बहुत काम बाकी है, कोई उसको करता है तो बहुत अच्छा है। ममता बनर्जी अब बीजेपी को किसी भी मौके पर जवाब देने से चूकना नहीं चाहती, यहाँ तक कि उन्होंने मोदी सरकार 2 के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ना आने की जो वजह बताई उससे साफ हो गया कि भाजपा का निशाना सटीक बैठ रहा है। दरअसल भाजपा ने अपने उन 54 कार्यकर्ताओं के परिवार को भी आमंत्रित किया था जो चुनावी हिंसा में मारे गए थे। ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर साफ कर दिया कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगी। शुभकामनाएं नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संवैधानिक निमंत्रण को स्वीकार कर शपथ ग्रहण समारोह में आने की योजना थी लेकिन मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रही हूं जिसमें बीजेपी दावा कर रही है कि उसके 54 लोग पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा में मारे गए हैं जो कि गलत है। बंगाल में कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल यूनिट ने तय किया कि कुछ कार्यकर्ताओं की टीम यहाँ पर आएगी शपथ लेने, उसमें वो कार्यकर्ता भी आएंगे जिनके परिवारों में हत्याएं हुई है। अब ये उनका निर्णय है पार्टी संगठन का बंगाल के। अब उससे अगर ममता जी को आपत्ति है तो उनको रोक तो नहीं सकते हम। मैं समझता हूँ कि ममता जी नहीं आने का कोई बहाना ढूंढ रही है। संदेश ये दिया है कि जो पॉलिटिकल वायलेंस जो हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, हिंसा में जो पीड़ित है हम उसके साथ है, हमारा जो कैडर मर रहा है या जो उसके ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है उसके साथ हम लोग इससे खड़ा रहेंगे। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी की नजर अब विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाले नतीजे हासिल किए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली है और उसे 40% से ज्यादा वोट मिले हैं और तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटों पर जीत मिली है और उसे 43% वोट मिले हैं, जबकि 2014 में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी और उसे 17% वोट मिले थे। 2014 में टीएमसी ने 34 सीटों पर कब्जा किया था और उसका वोट प्रतिशत था तकरीबन 40%। बीजेपी और आरएसएस भी साथ में एक साथ होके प्लान वे में पूरा स्टेट में काम कर रहे थे, एकदम लोअर लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया, हर बूथ में ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोशिश किया है और बहुत वो लोग सक्सेस भी है वो बनाने में। हर एक जगह में हुआ नहीं, वो तो टाइम लगेगा, लेकिन ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट उसी काम का ये है जो ऑर्गेनाइजेशन बनाना, बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जिसको नजरअंदाज किया है ममता बनर्जी का पार्टी। पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने लेफ्ट के वोटों में सेंध लगाई है। जानकारों के मुताबिक लेफ्ट के लाल रंग की बदौलत ही बंगाल की धरती पर भगवा रंग गहरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का चेहरा रहे सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने,
पार्टी के मुखपत्र गणशक्ति को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि उनके कैडर को टीएमसी से मुक्ति पाने के लिए भाजपा का समर्थन नहीं करना चाहिए। दरअसल ममता सरकार बनने के बाद से ही टीएमसी समर्थक सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले कर रहे थे और वाम समर्थकों को लग रहा था कि भाजपा में वो मादा है जो दीदी को रोक सकता है। वाम मोर्चे के वोटों में सेंध लगाने के बाद अब बीजेपी टीएमसी के घर में तोड़फोड़ कर रही है। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद टीएमसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। 12 मार्च को बोलपुर से टीएमसी सांसद और समाज सेवी प्रोफेसर अनुपम हाजरा बीजेपी में शामिल हुए। 14 मार्च को टीएमसी के मजबूत नेता और भाटपारा के विधायक अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 28 मई को 3 टीएमसी विधायक और 52 टीएमसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। 29 मई को टीएमसी विधायक मनिरुल इस्लाम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 29 मई को ही बीरभूम टीएमसी युवा मोर्चा के अध्यक्ष गदाधर हाजरा और युवा मोर्चा महासचिव मोहम्मद आशिफ इकबाल बीजेपी खेमे में आ गए। दीदी के अहंकार के कारण वहां पर काम करने में लोगों का दम घुट रहा है और इसलिए बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है और मोदी जी न सिर्फ बंगाल के अंदर शांति की स्थापना करेंगे, हिंसा समाप्त करेंगे, बल्कि बंगाल को विकास करके आगे बढ़ाने के लिए हम सबका सहयोग करेंगे। 2021 में ममता सरकार को गिराने का और पश्चिम बंगाल का जो राज्य सत्ता है उसको हाथ में लेने का, और इसी आधार पे ही वो चल रहे हैं। अभी तो वहाँ अब शाम को मैंने किसी ने मुझे बताया वहाँ स्लोगन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, आज दूसरी तरफ से बोलेगा जय श्री राम। पश्चिम बंगाल ही नहीं दिल्ली से भी ममता को ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि लड़ाई जारी है। दिल्ली बीजेपी ने राजधानी में अलग अलग जगहों पर ममता के पोस्टर लगा दिए जिसमें उनके कपड़े खून से रंगे नजर आ रहे थे। इस बीच ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि जिन पार्टी दफ्तरों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है उसे जल्द से जल्द हासिल किया जाए। साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच टकराव और तेज होगा। पश्चिम बंगाल की लड़ाई बंगाली वर्सेस बाहरी की भी होने जा रही है और इसकी झलक ममता की इन तस्वीरों में दिख गई है जिसमें वो जय श्री राम के नारे लगाने वालों को बाहरी बता सबक सिखाने को कह रही हूँ। कमल बोर्डेड